याकूब साहब बताइए ना कुछ। आहिस्ता आहिस्ता तड़पा कर मारने वाला कोई जहर बन सकता है क्या? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ठीक है मलिका, जैसा आप चाहती हैं वैसा जहर बन जाएगा। मुझे आप उस जालिम के इस्तेमाल में रहने वाली कोई चीज लाकर दे दीजिए, वो लाना बहुत जरूरी है। उसका खात्मा देखने के लिए मैं हर चीज कर सकती हूँ। Non mettete in mano da solo io tostre mani. Un vostro tocca sarà un motivo di guerra. Non scordatelo. Signorina. Signora. Siri pardon. अपने होश और हवास में रहें। Affronta lei. Prova sua mano. आपके सामने कुल आलम के सुल्तान मोहतरम सुल्तान सुलेमान खान बनफ्स नफीस मौजूद हैं। Noi viene sultano io sono la principe stave. क्या कह रही है? वो पारगली हर बात का तर्जुमा करो जो ये कह रहे। इनके कहने का मतलब है इनको छूना जंग के मुतरादिफ है क्योंकि ये एक शहजादी है। आपकी खातिर अगर जंग करना पड़ी तो वो भी करेंगे शहजादी। से दो ब्यामो कंबैत्रे पहले भी सब। अगर कोई जंगजू सामने आया तो देख बोले वलंते मोहाज में तो ऐसा नहीं था। तुम सब तो तेरे नो इसका पांड से आमे ओ पांड्रे के एल मियो फेजेंसासो मी वरानो अ कोनोशेंसा मोल्ट्रो प्रेसो कोसी फेरेनो पगारे इल प्रेसो पेर अवर्टिनो तो उना प्रिंसिपा इन असाइलो कोंडो वेरा कोएल नावेलो अप्रेंडरमे Vetterio lo che vostra faccia cantano piacere. Mere valet aur mere mangetar ko jald az jald mere aqwa ki khabar ho jayegi. Aapko ek shehzadi ko yargamal banane ki saza milegi. Behri beda jab mujhe lene aayega tab aapka chehra dekhna chahungi. Meri ijazat ke baghair behri jahaz to kya? Ek machli bhi is pani mein tair nahi sakti. Finken lonely permetto che un solo in da vilie manianca un pesce poi navigare sui ossi mari. Sultan Suleiman hoy sei ti un barbara cortaile questa l'avevi sentito e ora la vesto con i maiayoki. Sultan Suleiman aapke mutalliq एक संगदिल बर्बर होने का सुना था लेकिन अपनी आंखों से देख भी लिया। अभी तो कुछ नहीं देखा आपने। नो नविस्तोन कोरियन तांते इनु दिले परला रे कोई नहीं मस अप्याती के यो नॉन सोनो उन स्क्यावा डेल वोस्ट्रो हेलम इन नॉन सरोमाई लतवा दुआना रिफरेरे मुरैरे इज़ेंद्रे लुबास्त्रो माने। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं लेकिन ये जान लें कि मैं आपके हरम में दाखिल होने वाली कनीज नहीं, बीवी तो हरगिज नहीं। मुझे छूने की नापाक ख्वाहिश की तो अपनी जान दे दूंगी। एक शहजादी होने के नाते खुद को अहमियत देना समझ सकता हूँ लेकिन औरत होने के नाते ऐसा मत सोचें। मेरे दिल में अब कुछ छूने का ख्याल भी नहीं गुजरा। मको में न्योतान है हरम में नहीं रहेंगे लेकिन आपका मकाम एक कनीज बनना है। शहजादी अपने कमरे में तशरीफ ले जाए। चलो नीलफर, क्या बच्चों को अस्मा के पास छोड़ा था? हाँ
आओ मेरे साथ। क्या हुआ शहजादी, क्या बात की आपने? क्या हमें छोड़ देंगे? वो सुल्तान है, वो सुल्तान है बर्बरों का। एक शहजादी को, वो भी मुकद्दस रोमा गिरमन शहंशाह की शहजादी को बेजा कैद रखने का सोच रहा है। लेकिन गलत फहमी है उसकी, उसे जरूर सजा मिलेगी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो आपकी बात नहीं मान रहे क्या? आपने मुशाहिदा कर लिया कितने गुस्से में थी आका। यरगमाली बनने के बाद ऐसा होना मामूली बात है। क्या फैसला सादर करते हैं आप? शहजादी को क्या रिहाई दे देंगे? नहीं, वो यहीं कैद रहेगी। देखना है कि नतीजा क्या निकलता है। उसका बाप और उसका बहुत बाएतमाद मंगेतर क्या करते हैं। उसके आराम के लिए बिल्कुल वक्त जाया ना करो इब्राहिम। हर तरह से उसकी राहत और सुकून का ख्याल रखो। वो जितने दिन यहाँ कयाम पजीर है, हर दिन यादगार होना चाहिए। तहरीर करो मार्चेलो। जी। शहजादे फ्रेडरिक, आपकी मंगेतर इजाबेल फोर्टुना के जहाज पर कज़ाकों ने हमला करके उन्हें यरगमाल बना लिया। बहरी कज़ाक यरगमाल शहजादी को इस्तांबुल लाए। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश में उन कज़ाकों को भारी मकदार में सोना देने की पेशकश भी की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। कज़ाकों ने शहजादी को सुल्तान सुलेमान को फरोख्त कर दिया है और उन्हें जंगल की शिकार सराय में कैद रखा गया है। आपको हालात से बाखबर करना मेरा फर्ज है। एलवे से कृति। ठीक है। मलिका, इजाजत हो तो खाना खिला दें बच्चों को हम। हाँ आओ नीलूफर। जी अच्छा, आइए चलें। मलिका, याद किया आपने? आओ। क्या हुआ, देखा क्या? अच्छी तरह देख लिया मलिका। इब्राहिम पाशा अपने कमरे में नहीं है। दरवाजा भी खटखटाया लेकिन दरवाजा बंद था। कोई अहम बात कहनी है तो मुझे बता दे, मैं फौरन जाकर कह देता हूँ। नहीं नहीं, महल जाना पड़ेगा मुझे। क्या इब्राहिम पाशा के महल? मैं भी चलूं क्या मलिका? तुम ना आओ, मैं हल कर लूंगी। गुलफाम खातून क्या अभी तक बागीचे में? जी हाँ, माहे दौरा मलिका के साथ हैं। ठीक है, ये संदूकची दो मुझे। कूप साहब ने क्या कुछ गलत बता दिया मलिका? परेशान तो नहीं कर दिया? नहीं, इसके बरक्स मुझे खुशी हुई, यानी होगी। हाय माशाल्लाह, याकूब साहब को जब भी बुलवाना चाहें तो मुझे कहें, फौरन ले आऊंगा आपके पास। मेरे लिए तो आपकी मुस्कुराहट काफी है मलिका। घोड़े की पीठ से कई दिनों से उतरे नहीं, लंबे सफर से आए हैं, थोड़ा सुस्ताल हैं। जल्दी की कोई जरूरत नहीं मतरकची, सस्ताने का वक्त भी मिलेगा। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका और पाशा। मालकोचू आ गए तुम? वाह क्या रफ्तार है, इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी मुझे। माल गनीमत फौरन लाना चाहता था क्योंकि सबका सब बेशकीमत है। कोई नुकसान नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। नहीं पाशा, किताबें शमादान और मुजस्मे बहुत ही एहतियात के साथ साबित सालिम ले आया। शमादान आए सूफिया जाएंगे इब्राहिम पाशा। नमाज जुमा के बाद मैं चाहता हूँ पूरी जमात देखे। जो हुक्म मेरे आका। कुतुब भी साथ रखवा दी जाए। आप फिक्र ना करें, कुतुब खाना तैयार करवा दिया। आला,
आका आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुजस्मे पाशा के महल भिजवा दिए हैं। इब्राहिम पाशा, सुना तुमने मुजस्मे पहुंच गए, खजीना को उनकी खबर होगी यकीनन। वो अपनी चश्मे बीना से देखें इसलिए नहीं बताया आका, वो भी ख्वाहिशमंद है। फिर उन्हें फौरन मार रखवा दो अपनी जेर निगरानी, कहीं ऐसा ना हो कि खजीना उन्हें देख कर बेहोश हो जाए। मलिका, गुलफाम खातुम। खुश आमदीद मलिका, तशरीफ रखिए। मैं खजीना सुल्तान के लिए फिक्रमंद थी, सेहत कैसी है? ठीक है, निगार काल्फा भी पास है उनके, वो अकेला नहीं छोड़ेगी, उनके लिए मुतमईन रही आप। किसने मशवरा दिया था उसे वहाँ भेजने का? वालिदाए सुल्तान ने यही मुनासिब समझा। निगार काल्फा यहाँ से ज्यादा वहाँ फायदेमंद साबित होंगी अकेला। मैं इसलिए आई थी, ये नजर से बचने के लिए आका ने मुझे दिया था जब महमद पैदा होने वाला था। किस कदर खूबसूरत है ये। हाँ बिल्कुल, सारे बच्चों की पैदाइश के वक्त ये मेरे पास ही था, मुझे बहुत हिम्मत हुई। ये खजीना सुल्तान को तोहफे में देना चाहती हूँ मैं। तुम कैसे माफी मांगोगी? अच्छा सोचा है आपने, ये बहुत ही कीमती तोहफा है, वो बहुत खुश होंगी इससे। मुनासिब वक्त देख के उनसे मिलने चलते हैं, क्या मेरे साथ चलोगी तुम? हाँ बिल्कुल, कल ही हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। वाह वाह वाह, ये सब कितनी अजीम हस्तियां थी है। अगर चाहो तो तुम्हारे घर की दहलीज पर नस्ब करवा देता हूँ। अरे पाशा, हरगिज नहीं, मैं पाशा नहीं, एक गरीब आदमी हूँ, एक ही दिन में मुझे मोहल्ले से बाहर निकाल देंगे वल्ला। पाशा, ये आपको भी तंग करेंगे, इन्हें बंदरगाह पर देखकर लोगों ने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी थी। जो लफ्जों को तोल कर नहीं बोलता वो सजा का मुस्तहिक होगा यकीनन। निगार काल्फा, हुक्म कीजिए मलिका। पता नहीं चला, देर तक सोती रही मैं। अच्छा हुआ ये तो, इसलिए नहीं जगाया कि आप आराम कर सके। शोर कैसा है? मैं भी यही देख रही थी मलिका। देखो क्या खूबसूरती से तराशे हैं, वहां रखो। बादाम, आका ने ये मुजस्मे मुझे तोहफे के तौर पर दिए। पसंद नहीं आए क्या तुम्हें? नहीं, ये बात नहीं, लेकिन वालदा क्या कहेंगी ये सब देखकर? शहजादी, अगर इजाजत दे तो आपसे तारुफ करवाना चाहता हूं। कौन है? मालकुचू।
शहजादी, आपसे तारुफ मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। मालकूचू बाली साहब से आपका तारुफ कराना चाहता था शहजादी। ये बहुत ही चरी और बेइंतहा दलेर शख्स है, यही लेकर आए हैं यहाँ तक ये मुजस्मे। मतलब कि आप हैं वो, आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। कैसे हैं आप? शहजादी आपकी सेहत के लिए दुआगो हूँ। शहजादी आइए उस तरफ चलते हैं। दाया खजीना का बहुत ख्याल रखो। पाशा भी आ गए हैं, उससे बहुत कम मुलाकात होगी अब, फिक्र है मुझे। निगार को तंबीह कर दिए उनकी देखभाल करे। क्या मेरा फर्जंद आ गया है? आ गए हैं मलिका, खाबगा में आराम फरमाए। बादाब, सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। अब तुम जा सकती हो दाया। खुशामदीद बेटे। वालिदा, मैं तुम्हारा ही पूछ रही थी। कोई फिक्र की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरसती हैं, लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अब ऐसा नहीं होगा वालिदा। महल में बुडापेस्ट से माले गनीमत की कीमती चीजें आई हैं। खजांची को हरम के लिए अलग मिकदार दर्ज करने का हुक्म दिया है। आज इशाया साथ करेंगे, गुफ्तगू भी रहेगी। आज शाम के लिए मुस्तफा और माहे दौरान से वादा किया है। ये बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश होंगे सब, खासकर मुस्तफा। शहजादा अब बहुत समझदार हो रहा है, खासी अच्छी तरबियत की है माहे दौरा ने। अब माहे दौरा बहुत संजीदा हो गई है, एक अच्छी माँ के फर्ज को बहुत जिम्मेदारी से निभा रही है वो। मुझे एहसास है वालिदा, माहे दौरा को अपनी जिम्मेदारी निभाने का सिला जरूर मिलेगा। मोहाज के मार्के की गूंज अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसा ही है मालकोचो, ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं शहजादी, पसंद नहीं आया क्या ये आपको? बिल्कुल पसंद है, हैरान हूं अभी तक। पाशा बख्शिश तकसीम करवा दी, लोग खुश हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। आला मतरक्जी बाली साहब तवील सफर से पहुंचे हैं, इनके लिए तुमसे खास एहतमाम चाहता हूं, तुम खुद बंदोबस्त करोगे। इजाजत दें पाशा, बहुत मशगूल हूं शहजादी। इजाजत? शहजादी आइए मेरे साथ, करीब से इनका मुशाहिदा करें, इनके बारे में आपको आगाह करें। बाली साहब, पहले आपको मकाम इस्तराहत पर ले चलता हूँ, थोड़ा आराम फरमा कर ताजा दम हो जाए, फिर शाम को आकर ले चलूंगा आपको। हाँ, शायद बहुत अरसे बाद आप पाए तख्त आए हैं। देखना चाहूंगा वो मकामात कैसे हैं और कहाँ की दोशीज़ाएं हैं आखिर। जन्नत से हूरे उतरी है क्या जमीन पर? जान गया मैं। बाली साहब, शाम तैयार रहे, जन्नत के दरवाजे की कुंजी मेरे पास है। आला, यह है नाकाबले शिकस्त सूरमा हिराक्लेस, ज़ियूस का बेटा यानी हरकुलिस। ये रही हुसन की देवी डायना, तीरंदाजों की देवी, अपोलो की जुड़वां बहन, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। और ये है अपोलो, आग सूरज फन और मौसीकी का देवता, तबीब, बहुत ही माहिर तीरंदाज और एक नजूमी भी, मुस्तकबिल की नवीद देने वाला। मैं खौफ सा महसूस कर रही हूँ, नहुसत न ले आए ये सोचकर डर रही हूँ। इब्राहिम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं शहजादी? बुझ समझ कर
ये मनुष्य हमारे महल पर हमला आवर न हो जाए। किसी में ऐसे मजाल नहीं कि ऐसा कुछ करे। ये तोहफा है आका की तरफ से मेरे लिए। आपका डर बेसबब है शहजादे। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मेरा यहां मुजस्मों को देखना, उनका यहां तक पहुंचना, ये एक इशारा है। एक शानदार मुस्तकबिल हमारा मुंतजर है शहजादे। बरक्स इसके कि ये मुजस्मे हमारी मोहब्बत के गवाह होंगे। उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि मैं अब घोड़े पे सवार तलवारबाजी की मश्क करूंगा। आपने वादा किया था मुझसे कि आइंदा सफर पे जाते हुए मुझे भी साथ ले जाएंगे। मैं एक जालिम जंगजू बनना चाहता हूँ। तुम्हारी लगन की कदर करता हूँ मुस्तफा, लेकिन एक जालिम जंगजू बनने से बेहतर है कि एक आदिल जंगजू बना जाए। तुमसे जिन किताबों का जिक्र किया था वो आ गई है। जुमे की नमाज के बाद साथ चल के मुताला करेंगे। गैर मुस्लिमों की जबान कैसे समझूंगा बाबा? इब्राहिम पाशा तुम्हारी मदद करेंगे। अरबी और फ्रांसीसी जैसे सीखी अतालवी और लातिनी भी सीखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या मुसीबत है? कौन ले आया ये? सुंबल आगा। या अल्लाह खैर। पाशा मोहतरम, मुझे याद किया आपने। शिकार सराय के लिए कनीज का बंदोबस्त करो फौरन। पाशा, खिदमत के लिए हमारे पास काफी सारी कनीजें मौजूद है। वैसे तुम हिस्पानवी समझने वाली कोई कनीज ढूंढ के लाओ जो तुर्क जबान भी समझती हो। जल्द अज जल्द वो हमें अपनी मालूमात पहुंचाए ताकि हम जान सके कि वो दोनों आपस में क्या बातें करती हैं। समझे? हाँ, समझ गया। आला, यकीनन बंदोबस्त हो जाएगा पाशा, आप फिक्र ना करें। मगर सुंबुल आगा, राजदारी से, समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए क्या बना है? मुस्तफा, अब तुम जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी अम्मी से कुछ बातें करनी है। माहिदौरा, मुस्तफा पर तुम्हारी तवज्जो से मुतमईन हूं। शहजादे की तरबियत में तुम्हारा किरदार काबिल तौसीफ है। मैं तंदेही से कोशा हूं आका, आपकी तारीफ करने पे मैं जिंदगी भर नाज करूंगी। तुमसे जिस अहम मौजू पर बात करनी थी वो मैं हमतन गोश हूं आका। एक मलिका और एक शहजादे की मां होने के नाते तुम्हारे लिए सौदे और मकाम को निभाने के एवज एक कसीर रकम मुकर्रर कर दी गई है। बड़ी इनायत की मेरे आका, आपकी इल्तफात और शफकत से मैं जैसे जन्नत ही मैं पहुंच गई हूं। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं चलता हूं।
ठीक तो हो नसु अफंदी? बहुत गमगीन लग रहे हो तुम। नहीं दादे, ऐश दे रहा हूँ बस। आप मौज उड़ाएं। आशिक लग रहे हो मुझे। मैं कहाँ और इश्क कहाँ। मैं किसी आशिक को दूर से भी देख लूं तो उसको फौरन ही पहचान लेता हूं। तुम्हारे दिल में है एक जख्म मोहब्बत। प्यार का जख्म प्यार ही भरता है नसु अफंदी, कोई और चीज नहीं। सिर्फ इंसान का प्यार ही तुम्हारे दिल के जख्म को शिफा दे सकता है। का जख्म प्यार ही भरता है नसु अफंदी, कोई और चीज नहीं। सिर्फ इंसान का प्यार ही तुम्हारे दिल के जख्म को शिफा दे सकता है। سلطانكم باشي تزبط ليرة هستي بيكي हमारा बेटा बहुत शरीर है, हलचल कर रहा है। हमारा बेटा शहजादी, खुद को इस ख्याल तक महदूद ना रखे, ऐसा ना सोचे। अगर बेटा ना हुआ तो बहुत अफसोस होगा बाद में। इब्राहिम, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने एक काम किया। वो क्या? जब तुम नहीं थे मैं मायूस होने लगी। क्या करती? नजुमी याकूब साहब से मिली थी। शहजादी, क्यों मिले थे आप उस धोखेबाज से? एक सुनहरे नसीब वाला बेटा होगा ये कहा था उन्होंने। सुनहरे नसीब वाला? बिल्कुल। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। ठीक है फिर,
लेकिन एक बात और कही थी, कोई साए की तरह हमारे ताकुब में है, हमारे दरमियान खड़ा है, ताक में है वो। शहजादी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी बातें दिल पर मत लें और ना ही दोबारा मिलें, कि आपको परेशान कर सके। बच्चों को सुला दिया है मलका आलिया, और कोई हुक्म है? तुम भी आराम करो, सो जाओ। सुल्तान सुलेमान, आपके मुतालिक एक संदिल बरवर होने का सुना था, लेकिन अपनी आंखों से देख भी लिया। अभी तो कुछ नहीं देखा आपने। आप क्यों परेशान होती हैं? यहाँ हर कोई हमसे अच्छी तरह बात करता है। अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, ये कहा था सुल्तान सुलेमान ने। क्या वो बर्बर सुल्तान मुझे कह रहा था कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रही हूँ। समझता क्या है अपने आप को? सुल्तान कोई बर्बर तो नहीं लग रहा था, बल्कि मैं तो उसे देखकर तंग रह गई थी। ये तो ठीक कह रही हो, ये मानती हूँ कि उसकी आंखों में शोले नहीं थे। मगर कार्मिला एक बात बताऊं तुम्हें, उस शख्स की जबान जहर आलूद थी। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाए हैं। आने दो। मेरे आका, खुशामदीद महताब मन। आपको देखे बगैर नींद नहीं आ रही थी मुझे। खजीना से मिलने जाऊंगी, उसे एक तोहफा दूंगी मैं, खुशकिस्मती लाने वाला आपका दिया हुआ तोहफा। बेहतर होगा ये, ज्यादा आमदोरफ्त रखो खजीना के यहाँ। खजीना का ये पहला बच्चा है, काफी परेशान है, तुम अपने तजुर्बे से उसकी मदद करो। पूरा दिन नहीं थे आप, बहुत याद किया, कहाँ थे आप? मसरूफ था। क्या ऐसे ही मुंतजर रहूंगी, खत्म नहीं होगा क्या ये सहरे हिजर? मेरी जान, एक आशिक का आतिश हिजर में जलना, यही तो इश्क होता है हुरम। कश्ताला का आसमान और बादल मुझे बहुत याद आ रहे हैं। सीनियर ग्रिट्टी ने इतला भिजवाई होगी, यकीनन कोई हल ढूंढ लेंगे आपके मंगेतर शहजादा फ्रेडरिक। क्या हम ग्रिट्टी पे वाकई एतमाद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, अपनी मर्जी से इस तुर्जालों में रहता है वो। मुझे तो ये लगता है कि वो इन बर्बरों से मिला हुआ है। शायद कोई सवारी आ रही है, सुल्तान सुलेमान तो नहीं कहीं? ये
के आई दे नोवो पुरके वेस विनीदा। क्या कह रही है? किस लिए आए हैं पूछ रही हैं। इब्राहिम पाशा के हुक्म से आए हैं हम यहाँ, बताओ। ऐसा मोसे के कम्प्लान दो दनास्ते पाशा इब्राहिम। आज से मैलिक खातून शहजादी इजाबेल की खिदमत करेंगी और उन्हें तुर्की जबान भी सिखाएंगी, बताओ। मैलिक सैवेजा फ्रांसिस इजाबेला दाउरा अलादलांते एयरे सनियारा तुर्को नोखेरो प्रेंदा नादा देलसायो। क्या कहा? मैं तुम्हारी जबान नहीं सीखना चाहती हूँ। नो मैं खेदारिन मोचो टेम्पो आखी। मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहूंगी। नो बयो लाना इसे था इसकी जरूरत नहीं कोई। तुर्की जबान सीखने में ही इनकी भलाई है। जब तक यहाँ रहेंगी ज्यादा आराम से रहेंगी। कहो। También salaboino pareya aprenda nuestro idioma. Así se sentirá más cómoda el tiempo que ella se dedica aquí. Si tanto les importa mi bienestar, antes que me traigan una mesa para comer. अब क्या कहा? कह रही है कि मेरे आराम का अगर इतना ही ख्याल है तो खाना खाने के लिए एक मेज ला दें। Le den de comer a una princesa en el suelo, como los bárbaros hacen. एक शहजादी को जंगियों की तरह जमीन पर खाना खिला रहे हैं। हाँ तो अब सब झुकेंगी। खूब खूब, थोड़ा नीचे, अब सही है, बहुत खूब, ठीक है, झुको। तुम क्यों नहीं झुकी? गर्दन क्यों उठी हुई है तुम्हारी? इस तरह क्यों अकड़ा ली है तुमने? झुकाओ ना, बालदाए सुल्तान के सामने ऐसी आंखों में आके डालकर देखोगी क्या? झुको थोड़ा और, झुको ना, ठीक है। संभल नहीं है गुलागा? वल्ला वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं मालूम मलिका, बस इसी तरह गायब हो जाते हैं। गुलागा सब जगह सबीले बनवाऊंगी मैं, मेरे लिए जाके मुनासिब जगह देखें, ऐसी जहाँ जरूरत हो। हाँ एक हमाम भी बनवाऊंगी। माशाल्लाह मलिका, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, अभी जाकर देखता हूँ मैं। मलिका। हाँ दोबारा से चुपो लड़कियों साहब। ये भी जाकर हुरम सुल्तान को बताएगा सारी बातें। यही तो मैं चाहती हूँ, इसीलिए तो सबके सामने ये बात कही है। वो नहीं बताएगा तो फिर कोई दूसरा जाकर उसे बता देगा। मेरे खुदा ये क्या है? तौबा तौबा, मुजस्मे है मगर यहाँ क्या कर रहे हैं? गुलफाम, हुरम, खुशामदीद। शहजादी, ये बुत डायना, अपोलो और हरकुलस इब्राहिम पाशा बुडापेस्ट से लाए हैं। वालदे सुल्तान इनके बारे में जानती हैं? बिल्कुल नहीं। वालिदा देखे तो शायद बुरा मान जाए। शहजादी इजाजत दे, आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ, आका ने मुझे दिया था, आयाम के दिनों में मेरे पास था। इंशाल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, खुशी देगा, इसे कबूल करें। शुक्रिया हुरम, खूबसूरत है। आओ अंदर चलते हैं। सुल्तान सुलेमान और वजीराजम इब्राहिम पाशा ने अजीम फतह के हवाले से शानदार खिताब फरमाया। मस्जिद में फख्र से उनकी गर्दन उठी हुई थी। तुमने सुना क्या? बुडापेस्ट से काफरों के बुत आए हैं, सुना है इब्राहिम पाशा ने अपने महल में रखवाए। बेतुकी बातें मत करो, मुसलमान अपने घर में बुत क्यों रखेगा? फिगानी साहब, ठीक है फिर आओ देख लो अपनी आंखों से। सुल्तान
किया ना, खुद देखकर यकीन आया। देखा, पूरे 3 बुत हैं तुम्हारी नजरों के सामने। इब्राहिम पाशा के काफिरों की तरफ झुकाव रखने की बातें सुनी थी। मेज, तस्वीरें और अब ये बुत रखने का शौक उन्हें बर्बाद कर डालेगा, क्या ये खबर नहीं उन्हें? ये कौन सी जबान है? लातीनी है शहजादे। अच्छा, आपके हाथ में जो किताब है वो किसने लिखी है? यह अफलातून ने, यानी प्लाटून ने लिखी। हुकूमत कैसी होनी चाहिए, कैसा निजाम बेहतर होता है, ये लिखा है इसमें। अतालवी जबान में है? अतालवी है। मैं चाहता हूँ मैं ये सब किताबें पढ़ूं। इन किताबों के मुताले के लिए पहले जबान सीखनी होगी। इब्राहिम पाशा फुर्सत में तुम्हें अतालवी और लातीनी जबान सिखाएंगे। शहजादे की सीखने की लगन जरूर कामयाब करेगी, खुशी खुशी। मैं भी सीखना चाहता हूँ पाशा, मुझे भी सिखाएं। शहजादे, आप कुछ और बड़े हो जाएं, वक्त आने पर जरूर सिखाऊंगा। अच्छा खेल लेते हो मतरक जी, फिर जीत गए। शब भर सोए नहीं, शायद रत जगा मनाते रहे। ए, थके हुए हैं। उस माहौल में कौन सो सकता था। आज शाम एलिनी के पास फिर चलेंगे, दिल फरेब माहौल था। ठीक है, अब तो मुस्कुरा दो मतरक जी, मजा नहीं आ रहा ऐसे। जो अपना दर्द छुपाता है उसे दवा नहीं मिलती। ऐसे दौर से गुजर चुका हूं मैं। साहब किधर चले? रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नखरे मत दिखाओ, बात सुनो मेरी। मैं कह रही हूँ दूर हट जाओ। माल को जो बाली साहब हो, ठीक है? तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं ठीक हूं या नहीं? एक गया तो दूसरा आ गया। पहाड़ में जाओ तुम सब। खैर तो है साहब, क्या हुआ? ये लड़की कौन है? मालूम नहीं, नहीं जानता मैं। खुश रहो अजनबी लड़की। हाँ, आइए आपको शायरों की महफिल में ले चलूं मैं। आशिक चले भी मिल गया तो आपकी फाल देखकर मुस्तकबिल बता देगा। हो सकता है मुकद्दर में दूसरी औरत लिखी हो। अच्छा किया जो आ गई, सारे दिन मैं अकेली रहती हूँ। पाशा बहुत मसरूफ है, लगता है ज्यादा वक्त नहीं दे पाते आपको। मुझे कोई शिकायत क्यों हो, यहाँ मेरे पास ही तो है, यही काफी है। बस अल्लाह करे मैं जल्द माँ बन जाऊं। बहुत ही कम वक्त रह गया शहजादी, अनकरीब ही अपनी गोद में खिलाएंगी इंशाल्लाह। आमीन। इब्राहिम, खुश आमदीद पाशा। आप सबको खुश आमदीद। निगारिये मेरी मेज पर रखो। मुझे आप उस जालिम के इस्तेमाल में रहने वाली कोई चीज ला कर दे दीजिए।
इजाजत चाहती हूँ, जरा चेहरा धो लूँ, मैं बहुत गर्मी है। जरूर पाशा, आइए यहाँ बैठिए। आज क्या मसरूफियत रही आपकी? निगार, हुक्म करें मलिका। मुझे पीने के लिए कुछ ठंडा ला दो जल्दी, मेरा सर चकरा रहा है। जी अभी लाई मलिका। तुम्हारे हाथ में क्या है, लाओ दिखाओ। तुम शरबत ले हो। बहुत माजरत, लेकिन इब्राहिम पाशा का रोजनामचा है। इसमें क्या है, दो मुझे जरा देखूं तो। बहुत नादिम, आपको नहीं दे सकूंगी। दिखाओ तो सही। इब्राहिम की लिखाई है क्या? जी मलिका, वो इस रोजनामचे में लिखते हैं, तफसील दर्ज करते हैं। मलिका रोजनामचा मुझे दे दे, इसको रख दूं मैं, पाशा खफा हो जाएंगे। अच्छा लो ये रोजनामचा, जाओ रखो इसे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें वाली साहब। तुम्हारे साथ कौन साहब है ये मतरक्षी? कैसे शायर हो तुम मुबारक, अशरफियों की खुशबू सूंघ ली। दरअसल ये एक ताजर है, यहाँ के नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिगानी साहब, खुशी हुई आपको देख के। मगर हैदर साहब, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं। काश के ना देखा होता वो सब। ऐसा क्या देखा? आते हुए कुछ ऐसी चीजें देखी कि ईमान खराब हो गया। कौन है ये? फिगानी शायर है, ज़बान व कलम तलवार जैसे हैं, निडर है, बात ऐसे करता है लोग दंग रह जाए। चरागाह से गुजरते सुना इब्राहिम पाशा के महल में बुत लाए गए हैं, अनसुना कर दिया, यकीन ना आया, फिर अपनी आंखों से देखा, वहां पर तीन बुत खड़े थे जो बुडापेस्ट से लाए गए हैं। दुनिया में दो इब्राहिम गुजरे, एक बुत शिकन था, दूसरा बुतों का दिलदादा। दुनिया शाहिद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकन थे और यहां इब्राहिम पाशा दिलदादा है बुतों का। जरा मुकर्रर फरमाइए फिगानी। दुनिया में दो इब्राहिम गुजरे, एक बुत शिकन, एक बुतों का दिलदादा। चलो, हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा, पाशा इब्राहिम ने बुतों को खड़ा किया। जचेगा नहीं तुम पर, तुम अंदर से काली हो और ज्यादा लगोगी, ये जचेगा, ये लो। गुलाखा यहाँ आओ जरा। ये धान किसने भेजे हैं? माहे दौरा सुल्तान की सखावत है, हरम पर नवाजिशात हैं उनकी, सलामत रहें वो, जिसे छूले वो सोना हो जाता है। और उनके हुक्म से हमाम और सबील बनवाई जाएंगी, मैं उस जगह की तलाश में हूँ। सच सच बताओ? बतौरे खास काम दिया है मुझे, समझे? मुझे मुंतखब किया है इसके लिए, आवारा घूमो और बाहर के मजे लो। सब मलिकाएं मेरी खिदमत से बहुत खुश हैं, माशाल्लाह। हाय हाय भाई, माशाल्लाह, किसी की नजर न लगे इंशाल्लाह। आमीन, नजरे बद से बचाए मुझे या रब। ज़बान है कैंची, चलो जाओ यार, हुरम सुल्तान आ गई है, तुम्हें पूछ रही है, अपनी असलिका के पास भागो फौरन। तो पहले बता देना मुझे। क्या हुआ मेहमत बेटे, क्यों उदास हो? बाबा के साथ मस्जिद गए था। ये तो अच्छी बात है,
वहाँ सब मुस्तफा जिंदाबाद कह रहे थे, मेरा नाम नहीं लिया किसी ने भी। अभी तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम छोटे हो ना, बड़े हो जाओगे तो हर तरफ तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। इब्राहिम मुस्तफा को इतालवी जबान सिखाएंगे, मगर मुझे मना कर दिया उन्होंने। तुम उदास मत हो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें हर शय सिखाएंगी। चलो जाओ अंदर। मलिकाओं की मलिका, हुक्म कीजिए। कोई हुक्म नहीं, तुमने कुछ कहना था, आसमान ने बताया है। आपका हुक्म था कि आंखें खुली रखूं और जो कुछ हो फौरन आगा करूं। कहो। माहे दौरा सुल्तान ने सवाब की खातिर पूरी एक खतीर रकम मुख्तस की है। माहे दौरा सुल्तान आवाम के लिए सबीले और हमाम बनवाकर खैरात करेंगी और कनीजों में तहाइफ भी तकसीम करवाए। मलिका सुल्तान का हुक्म है क्या? बजाते खुद आका की हिदायत पर मलिका, बजाते खुद। मलिका, यहां पर मोहर की जरूरत है, एक मोहर यहां पर भी लगा दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपको जहमत दी। ये बहुत अच्छा हुआ दाया, माहे दौरा बहुत खुश है। उनका सब्र अपना समर ला रहा है मलिका। अगर मेरा कहा मान लेती तो बुरे दिन ना देखने पड़ते। वालिदा, आप मसरूफ तो नहीं? मसरूफ नहीं हूं, आओ। बाद में कर लेंगे दाया, अभी इसे ले जाओ। क्या कोई अहम मामला है? आज खजीना सुल्तान के यहां गई, उनकी सेहत बेहतर है, आगाह करना चाहती थी। तुमने अच्छा किया बहुत। दरअसल वो उन मुजस्मों की वजह से थोड़ी परेशान है, बातें बनाने वाले लोग तो बहुत हैं। कहां से आए हैं, कौन लाया उन्हें? क्या खबर नहीं है आपको? इब्राहिम पाशा बुडापेस्ट से 3 मुजस्मे लेकर आए हैं, इंसानी शक्ल के, ऊपर से बरना भी है, लगता है जिंदा हो जैसे। बागीचे में खड़े करवा दिए हैं। मेरे आका, मुझे याद फरमाया आपने। शिकार सराय के मेहमान कैसे हैं? आज बजाते खुद मेहमान सराय गया था मैं। इब्राहिम पाशा के हुक्म पर हिस्पानवी जानने वाली एक कनीज रखी है वहाँ पर, शहजादी यकीनन हर तरह का ख्याल रखेगी, आहिस्ता आहिस्ता जबान भी सिखाएगी, लेकिन शहजादी जबान सीखना नहीं चाहती। कोई कसर ना उठा रखो, समझ गए तुम? मेरे आका, आप जानते हैं फरंगियों की आदत मुख्तलिफ होती हैं। शहजादी को जमीन पर खाना खाते में बहुत दिक्कत हो रही है। मेज बनाने का हुक्म दो, उस पर नीले पत्थर जड़े हों, बेहतरीन कारीगरों से महल में तैयार करवाओ। जो हुक्म मेरे आका। मेरे आका, वालदा सुल्तान मुलाकात चाहती हैं। उन्हें भेज दो। जब आपको प्यास लगे तो ये पानी रखा है, पी लीजिएगा। एक लफ्ज भी नहीं सीखूंगी, तुम इसकी जहमत ना करो।
ज्यादा नहीं, बस जो थोड़े जरूरी जुमले हैं वो सीख लें, शायद कभी जरूरत पड़ जाए आपको इनकी। तुम्हारा नाम क्या है? एंजेला, यहाँ इसको मलिक कहते हैं। सुम्बुल आगा बहुत गुस्सा करेंगे अगर आप यहाँ की जबान नहीं सीखेंगी तो। अगर चाहो तो रवाना होते वक्त मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। मैं तो यहाँ महल में बहुत खुश हूँ, हरम में सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। बहुत शुक्रगुजार हूँ। वालिदा कैसी हैं आप? फरजंद ठीक हूँ। खुद तशरीफ लाई हैं तो कोई खास बात होगी? मेरे इल्म में कुछ आया है, इब्राहिम पाशा ने अपने महल में बुत नस्ब किए हैं, क्या ये सब तुम्हारे इल्म में है? ये मुमकिन नहीं है कि मैं बेखबर रहूं वालिदा। ये बात मेरी समझ से बालातर है, तुमने कैसे इजाजत दे दी, गुनाह है ये तो। नीलोफर इधर मेरी तरफ देखो, बात सुनो, एतमाद कर सकती हूँ तुम पर? एतमाद कर सकती हैं आप? वक्त आने पर तुम्हें एक अहम काम करना होगा मेरा, लेकिन कुछ खतरनाक है। मलका आलिया, आपका हुक्म सर आंखों पर। पहले तस्वीरें और अब ये बुत, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए खामोश थी, लेकिन फजंद अब तो हद हो गई, ये किसी तौर भी मुनासिब नहीं, ये तो सिर्फ सरासर शिर्क है। इब्राहिम पाशा उस महल में तन्हा नहीं रहता, खजीना भी है, अनकरीब औलाद भी होने वाली है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, फौरन गिरवा दो बल्कि फेंकवा दो उन्हें, ऐसे बरहना बुतों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो सारे बुत उसके महल में ही रहेंगे, अगर किसी ने इब्राहिम पाशा या उसके घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अपने मुखालिफ पाएगा मुझे, ये बात याद रहे। जैसे तुम्हारी मर्जी फरजंद, नुकसान से आगाह करना मेरा फर्ज था, मां होने के नाते ये कह रही हूं, तुम गलती पर हो। यूं लगता है जैसे धड़क रहे हैं, है ना? बगीचे की रौनक बढ़ गई पाशा। हाँ वाली साहब, मतरक जी तुम्हारा ठीक से ख्याल रख रहे हैं ना? बहुत अच्छी तरह रख रहा है ख्याल, लेकिन मुझे लगता है कि अपने सीने में दिल नहीं रखता वो, पूछो तो कहता है इन चीजों से दूर हूं, मुझे लगता है किसी औरत ने बहुत ठेस पहुंचाई है इसे। माजी की राख कुरेदने से कुछ नहीं मिलता, वक्त हर दर्द की दवा होता है। पश्चिमान नहीं करना चाहता पाशा, लेकिन मैं आपको मुत्तला करना चाहता हूं कि शायर और दूसरे लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? बुतों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किसी रोज साथ चलते हैं शायरों के पास, गुफ्तगू करते हैं उनसे, मालूम करते हैं उनकी राय। आओ आ जाओ आ जाओ, एहतियात से अंदर लाना, जरा सी भी खराश आई तो सख्त सजा दिलवाऊंगा। हाँ आ जाओ,
यहां पर, शाबाश, इधर। हाँ, आपके लिए सुल्तान सुलेमान खान ने ये मेज तोहफे में भेजी है। खूबसूरत है, इस पे बना क्या? इस काम को संगसाजी कहते हैं। हर पत्थर पर नक्शोनिगार बनाकर उसे भट्टी में रखते हैं। उन पर नक्श बनाना माहिर कारीगरों का काम होता है। बहुत कीमती है ये। आज तक इतने खूबसूरत नक्श नहीं देखे। सुल्तान सुलेमान की आंखें भी नीली हैं शहजादी। क्या कह रही हो तुम? माफी चाहती हूँ शहजादी, लेकिन जितना संगदिल आपने बताया उतने लगते नहीं हैं। देखिए, आपके लिए मेज बतौरी खास भिजवाई है उन्होंने। मलका आलिया, क्या तैयार हो गई? जी हो गई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नीलोफर पप्पो के पास ले जा रही है बेटा तुम्हें। तो फिर जल्दी से चले ना। जो मैंने बताया अच्छी तरह समझ गई ना? मेज पे रखा हुआ चर्मी जिल्द वाला रोजनामचा होगा वहाँ पर, वो रोजनामचा लेकर आना है मेरे पास। अगर ऐसा करते हो तुम पकड़ी गई तो मैंने नहीं भेजा तुम्हें। एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, मैं बचा लूंगी तुम्हें। आप फिक्र ना करें। बिल्कुल, चलो दिखाओ फनकारी। आलिया, क्या तैयार हो गई? जी हो गई। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नीलोफर पप्पो के पास ले जा रही है बेटा तुम्हें। तो फिर जल्दी से चले ना। जो मैंने बताया अच्छी तरह समझ गई ना? मेज पे रखा हुआ चर्मी जिल्द वाला रोजनामचा होगा वहाँ पर, वो रोजनामचा लेकर आना है मेरे पास। अगर ऐसा करते हो तुम पकड़ी गई तो मैंने नहीं भेजा तुम्हें। एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, मैं बचा लूंगी तुम्हें। आप फिक्र ना करें। बिल्कुल, चलो दिखाओ फनकारी। आयो का मतलब मैं होता है शहजादे। अगर आयो के साथ यू लगाएंगे तो इसका मतलब फिर तब्दील हो जाएगा। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मैं वैनी तौल पादरे। कैसे हो मेरे बेटे? शहजादे शताबी से सीख रहे हैं मेरे आका। जीरक है माशाल्लाह। मुझे इन मुजस्मों की फिक्र हो रही है इब्राहिम। बागीचे में कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन सुना है गलियों बाजारों में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। वेन देत्रो आमी एला शदिले जयंती। बाबा क्या कह रहे हैं? दांते की शारी से एक मिसाल दी है शहजादे। सिर्फ मेरी ही बात सुनो, छोड़ दो सब, दूसरों को बातें करने दो। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुस्तफा, इसलिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दिल लगाकर पढ़ो, अब जा सकते हो तुम। क्या घोड़े तैयार हैं ब्रह्म? तैयार है आपका। चलो तो फिर चलते हैं। वाली साहब किसकी राह देख रहे हैं? थोड़ा घूम लेते हैं, बैठे बैठे कमर दोहरी हो गई वाला।
कुछ देर रुक जाओ, शायद आ जाए। कौन आ जाए? हाँ, वो आ गई। रुके तो, मैं भी आता हूं। अच्छा, तो तुम मेरा ताक़ुब कर रहे हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्यों ताक़ुब करूंगा? ऐसी कोई बात नहीं। मेरे दिल ने मुझसे कहा कि इस दुकान में कोई कीमती शय मौजूद है। बाली साहब, क्यों ऐसा ही है ना मतरक जी? या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है? यहां दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें मौजूद नहीं है क्या? ओ नसू अफंदी, खुशामदीद अफंदी। कैसे हैं? खाना लाई हूं बाबा, खा लीजिए। जीती रहो बेटी। बेटी? जी बेटी है मेरी, इसका नाम है आर्मीन। आर्मीन, ये कौन साहब हैं आपके साथ? बहुत बड़े ताजर हैं ये, कुछ खरीदारी करने आए हैं। ओ वाकई, तो फरमाइए ना आप, जो भी लेने की ख्वाहिश हो। जो भी लेना चाहूं क्या वाकई? हम बाद में आ जाएंगे, वैसे ही जरा देखने आए थे। खुश रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इसका क्या काम है यहाँ? अभी मालूम कर लेता हूँ आका। सबब जो भी हो, इसे दोबारा यहाँ देखना नहीं चाहता। जो हुक्म। सीनियर ग्रेती, कैसे आना हुआ आपका? मोहतरम पाशा, शहजादी इजाबेल की खबरगिरी के लिए आया था। आप इन्हें कब रिहा कर रहे हैं? जब मेरे आका हुक्म करेंगे तब। हो सकता है कभी ना करें। ऐसा ना करें पाशा, मसला बहुत टेढ़ा है, बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। हो जाने दो, जिस वक्त मसला होगा हम देख लेंगे। इलावा इसके, दोबारा आप कभी मत आइएगा यहां पे। अगर कोई बात हो तो मेरे पास। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान आ गए हैं। कैसी हैं आप सीनियोरा इजाबेल? जो कहा गया वो बताओ। मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अब हो रही है। अपने महल और अपने घर वालों से बिछड़ गई। बर्बरों ने यरगमाल बना रखा है मुझको, और क्या ख्वाहिश कर सकती हूँ मैं। एक मेज की कमी थी, वो पूरी हो गई। मेज पसंद नहीं आई क्या आपको? ऐसके न लगूस तो लमैसा मैसा जो न कोई रो उन्ना मैसा कहीं रो मेरी उबर साथ। मुझे मेज नहीं चाहिए, मैं रिहाई चाहती हूँ। एक बर्बर से बेशकीमत चीज मांग ली। एस वाइस मुचो फेरी लाउन बार बारो।
मेरी जान, तुम देखना तुम्हारा भाई होगा। अच्छा, क्या खेल सकूंगी भाई के साथ? ने बातें करेगा तुमसे, मगर तुम्हें तंग भी करेगा। उसका नाम क्या है? अभी सोचा नहीं, बाद में सोचेंगे। मलका आलिया, शहजादी को ठंड ना लग जाए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इनके ओढ़ने के लिए कुछ ले आऊं। हाँ, इसके हाथ ठंडे हो रहे हैं। मेहरमा, सर्दी लग रही है तो अंदर चले क्या? नहीं, अंदर नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है। ऊपर जाओ, दाएं तरफ कमरे में संदूक पे शॉल रखी है। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, शॉल लेने आई हूँ। अरे बेवकूफ, यहाँ थोड़ी कहा था मैंने तुम्हें। मैं समझी, यहाँ मिलेगी। पता नहीं मलिका ने क्यों तुम्हें अपने पास रख लिया, अकल तो बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। चलो जाओ यहाँ से। सबक शुरू कर दिया क्या? हमारी जबान सीख रही है ना? सीख रही है पाशा, लेकिन कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रही। सुल्तान सुलेमान। सुल्तान सुलेमान, हमारी जबान जल्द सीख जाएंगे आप। अप्रेंद्रा रति जमैनता नोएस्त्रा लैंग्वा। कौन तो पागोवा? क्या कीमत दी है मेरी? कोई रो उन्ना माई सा। मेरे पास बहुत सोना है, आप जितना चाहें दे दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दें आप। गुस्से को समझ सकता हूँ। कॉम्प्रेंडो सोए न हो। आइंदा ऐसी बात नहीं करोगी तुम। सैम्बेगो पिएस्टे दो ससिस एंथे साबलार। और हाँ, किमा साउन। आजाद नहीं है आपके सामने कोई, ना कोई ताजिर। क्वेंटो पेरेंटा उस्ते इनोसेंट फेंट्रा न्यू कमेंटेंटे न्यू ग्राद्रा। सुल्तान सुलेमान। असिरूनल गुनावेस। क्या आप कभी कैद में रहे? इस तो मोई त्रिस्ते। मैं यहाँ बहुत गमगीन हूँ। सिनिस ब्रांसा। उदास हूँ। सिक्यासे किने का बेंसा। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ सबका बर्ताव अच्छा है। से कुम पुरता से। लेकिन मेरे लिए इन चीजों की कोई वक्त नहीं। नो कोई उते का। जो मांगती हूँ मिल जाता है, खाने मशरूबात। इरस्तो न कम भी एलएचओ। लेकिन ये सब अशिया मेरी कैद का नेमुल बदल नहीं हो सकती। ले रोए गो के। मेरी गुजारिश है कि मुझे रिहा कर दें। सकेनो कोटोबा असे पेरो। जानती हूँ कि ये नामुमकिन है। अलमेनस। और कुछ नहीं तो बागीचे में जाने की इजाजत दे दें। लित्रे खुदा के लिए। रिस्पेरो इस्पेरा। खुली हवा में जाकर सांस लेना चाहती हूँ। मुंता का पना। टहलना चाहती हूँ। ये ना कहना कि मैं नाकाम हो गई। मिल गया ना? मैंने तो अपना फर्ज निभाया बस। किसी ने देखा तो नहीं?
किसी ने भी नहीं देखा मुझको। मैं अंदर गई बहाना बनाकर और आपके हुक्म की तामील की। आफरीन, तुम जा सकते हो। रोजमर्रा के काम लिखे हैं इसमें। दरबार में ये हुआ वो हुआ। हाँ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इसे फौरन याकूब साहब के पास ले जाना है तुम्हें। उन्हें मालूम है कि इसका क्या करना है। ये तुम्हारे लिए है। अरे मलिका, आप सलामत रहें। चलो देर ना करो। ये क्या है मलिका? किताब जैसा लगता है लेकिन। इब्राहिम पाशा आ रहे हैं। वजीर आजम इब्राहिम पाशा तशरीफ ला रहे हैं। पाशा खुशामदी। पहुंच गई खबर लगता है। अब पीछे नहीं हटूंगा। जो कह दिया है सो कह दिया है। एक जान है, चाहे तो वो भी ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतला मिली है मेरे बागीचे में रखे मुजस्समों का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। मैं ये बात आप सब लोगों के गोश गुजार करता हूं। सुल्तान सुलेमान खान अली मकाम से तोहफे में मिले हैं मुझे। बतौर माले गनीमत बुडापेस्ट से ला गए हैं ये मुजस्समे। सब लोग ये जान लें अच्छी तरह। और सुन ले कि मोहाज की फतह से लौटते हुए हमने आप सबको फरामोश नहीं किया। आप अमान में रहें। पाशा की उम्र दराज हो। अल्लाह खुश रखे पाशा को। पाशा को बहुत खुशियां मिली। अल्लाह खुश रखे पाशा को। नहायत अफसोस की बात है, उसने अशरफियां देकर बात दबा दी। याकूब, ये गुल आका दे गया है। तुम जानते हो क्या करना है। मालूम है मुझे।
क्यों आए हो? घबरा क्यों गए? मुझे देख के तुम्हारे माथे पे बल क्यों पड़ गए बताओ? बस करो आगा, तुम काम करो अपना। बस बस, इस बेचारे को धमकाया है तुमने, दुकानों से लिए सामान से तुम्हें भी हिस्सा देगा। बदमाश हो क्या तुम यहाँ के? क्या मैंने? हो ही नहीं सकता। तो शकर आगा क्या झूठ बोल रहे हैं? बताओ ना, तुम ही बताओ। आगा अभी रहने दे, मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे। चलो चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे रुको, कहाँ थे तुम? बाजार गया था मैं, हुरम सुल्तान ने कुछ मंगवाया था। झूठ ना बोलो करो मुझसे, यकीनन घूम फिर रहे होगे। तुम घूमते फिरते हो असल में, हर वक्त कहीं ना कहीं जाते हो। कहाँ जाते हो ये किसी को नहीं मालूम। मैं पूरे महल के अहम काम करता हूँ। मुझे भी बहुत अहम काम है समझे, हटो मेरे रास्ते से। चलो जा रहा हूँ मैं। चलो जाओ। आज इब्राहिम पाशा मुस्तफा को सबक दे रहे थे, जिसको देखो उसी पर तवज्जो देता है, कोई भी मेहमत का नहीं सोचता। जैसे मेरा बेटा शहजादा ही नहीं है। ये गलत फहमी है तुम्हारी। नहीं ऐसा नहीं है, वैसे भी इब्राहिम मेहमत की तरफ देखते भी नहीं, जो भी है बस मुस्तफा। इब्राहिम पर हर वक्त बरहम क्यों रहती हो? मैं वो क्यों रहती हूँ नाराज उससे? बरहम नहीं, मेरा बेटा उदास है। उसने खुद मुझे बताया कि इब्राहिम मुझे पसंद नहीं करते। मुस्तफा इब्राहिम के हाथों पला बढ़ा, उससे कुर्बत फितरी है। मेहमत जब बड़ा होगा तो उसका उस्ताद भी यकीनन इब्राहिम ही को रखा जाएगा। आइंदा ऐसी शिकायत ना सुनो तुमसे। शहजादों के बीच कोई फर्क नहीं, ये कभी ना भूलना।
दिल बाश बाश कर दूंगा, उस जालिम को मौत आएगी तबे पाऊं। रोजनामचा कहाँ है? निगार का अल्फा ने रख दिया होगा कहीं। शहजादी, आप ठीक है? ठीक हूँ, ठीक हूँ। एक टीस सी उठी थी। करना, कोई भी इसे खोलकर अंदर से ना छुए। क्या हंगामा मचा रखा है? वल्लाह सबकी जबान खींच लूंगा। चलो चक्कर आका। तुमने मेरी शिकायत की थी सुंबल से? वल्लाह मैंने कोई शिकायत नहीं की सुंबल आरा को। मुझे मौत आए अगर कुछ कहा हो। मौत आएगी इंशाल्लाह, और जरूर आएगी इंशाल्लाह। अगर मेरा हिस्सा नहीं दिया तो ये तुम्हारा मोटा पेट चाक करके रख दूंगा। चलो जाओ अपना काम करो। गुलाबा क्या है? हाँ। शहजादी क्या हुआ है आपको? सारा दिन बिस्तर पर गुजार दिया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं क्या करूंगी उठकर, जहां बलब हूँ उम्मीदें खाक हो गई। मुझे मालूम नहीं कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर रहना पड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस बात को तुम बिल्कुल भी मजाक मत समझना, मैं सच कह रही हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं वाकई खुदकुशी कर लूंगी अगर यहाँ रहना पड़ा। ऐसा ना कहें, खुदा ना करे। आप सलामत रहें शहजादी। मुझे तुम्हारी जबान नहीं सीखनी, जाओ। मैं ये कहने आई हूँ सन्योरा, आप तैयार हो जाएं। किस लिए? वो क्या हमें रिहा कर रहे हैं? नहीं, बाग की सैर के लिए जाना है। क्या सुल्तान सुलेमान आए हैं यहाँ पर? बस आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मलिकाओं की मलिका। हाँ। याकूब साहब ने काम कर दिया है। किसी ने देखा तो नहीं? जी नहीं, मरमर के महल में जाकर खुद वसूल किया है मैंने। लेकिन इसे कोई ना खोले ये हिदायत की है उन्होंने। सिर्फ मलिका जिसे दें वो खोले। समझ गई। किसे देंगी आप मलिका? तुम्हें क्या? मैंने इसलिए कहा कि उस तक पहुंचा दूं। मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाओ। इब्राहिम, अब तुम मेरी नसरों के सामने तड़पते हुए जान दोगे। बादाम। के पासा मैं वगाना ओगुनार
ये पूछ रही है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग। सुल्तान मुअज्जम ने शहजादी के लिए तोहफा भेजा है, बताओ। Un regalo, dos excelencia a la princesa. पोरो मुंथा, क्या कह रही? सवारी करना चाहती हैं वो। थाम लो लगाम। खुश आमदीद मलका आलिया। खजीना सुल्तान कमरे में है क्या? नहीं, बाग में गई है। पाशा भी उनके साथ है। इब्राहिम गए नहीं आज? जी नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मलिका की, दिल घबरा रहा था। आजकल तकलीफ ज्यादा है। क्या मिल नहीं सकती? मिल सकती है, इब्राहिम पाशा भी उन्हीं की वजह से परेशान है। ठीक है नीलोफर, तुम इसको अंदर लेकर जाओ। और ये क्या है? शकर आगा ने शहजादी की पसंदीदा मिठाई बनाई है। इब्राहिम, ठीक हूं मैं, आप जाएं बस। मुझे आज कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती आपसे। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। शहजादी, पाशा, शहजादी, क्या आपकी तबीयत कुछ नासाज थी? कल शब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डर लग रहा था होने वाले बच्चे को कुछ ना हो जाए। शहजादी, तबीबा ने बताया था ना आपको, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ आराम ही आपका इलाज है बस। इन दिनों में एहतियात करनी पड़ती है। आओ बैठो हुरम। बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं। मेहरमा आना चाहती थी आपके पास। ले आती काश उसे भी, वो आपको तंग करती थी, जानती है ना शरारती है। पाशा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। और आप भी ठीक होंगी इंशाल्लाह। पुरसुकून रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हुरम, वालिदा को मेरी तबीयत खराब होने का इल्म ना हो, वो ज्यादा परेशान हो जाए। शहजादी, आप ठीक है? आ गया, शायद वक्त आ गया है। तबीबा को बुलवाएं। सांस ले शहजादी, गहरी सांस ले। मैं हूं ना आपके पास, गहरी सांस ले। सुकून रहे, आराम से। निगार को भेजो, महल में खबर दो। आराम से शहजादी, आराम से, खातर जमा रखे, मैं आपके साथ हूँ, हर किस परेशान होने की जरूरत नहीं, हौसला रखे आप। तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी शहजादी। आप तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरना। मैले, इन्हें अच्छी तरह समझा दो कि ज्यादा दूर नहीं जा सकती, बस आसपास ही घूम सकती हैं। सेनोरा नोदे बहाला रेसे मुंतारा परिस्ते सोना।
क्या ये लोग भी मेरे साथ जाएंगे? जी, आपकी हिफाजत के लिए हैं ये। Sultanım. Bana ver. Sto bene, ho detto che sto bene.
बाहर निकालो। अल्लाह तेरा शुक्र है इब्राहिम। बेटा तो मुझे सलामत रहेगा ना, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। शहजादी डरे मत, आपका बच्चा आपकी गोद में है। देखिए अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिंदगी दी है, जो चाहे मुझसे मांग लो। शहजादी खुश रहे, मेरे लिए काफी है। तौबा, तो ये है, फरार की कोशिश नाकाम और आका ने पकड़ लिया। आका, शहजादी घोड़े से गिर गई, पांव पर चोट आई। इनकी घोड़सवारी हमेशा के लिए बंद, ख्याल रहे। जो हुक्म मेरे आका।